24th April 1967, Russian cosmonaut Vladimir Komarov एक कैप्सूल में स्पेस से पृथ्वी की ओर 144 किलोमीटर पर आर की स्पीड से बढ़ रहे थे। हाई स्पीड और फ्रिक्शन की वजह से मानो उनका स्पेस कैप्सूल एक उल्का पिंड बन चुका था। कैप्सूल के अंदर का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा था और व्लादिमीर बस एक ही चीज चिल्लाए जा रहे थे, हीट इज राइजिंग इन द कैप्सूल। एंड फाइनली बूम, ही क्रैश्ड। क्रैश के बाद जो चीज साइट पर मिली वो थी ये, एक 80 सेंटीमीटर की गली हुई बॉडी। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट आता है कि इस पूरे इंसिडेंट को एक्चुअली में रोका जा सकता था। इनफैक्ट रशियन स्पेस एजेंसी को तो ये पता था कि व्लादिमीर की जान जाने वाली है, और यहां तक कि व्लादिमीर को खुद तक ये पता था कि वो मरने वाले हैं और कभी लौट के नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी क्यों रशिया ने और क्यों व्लादिमीर खुद ने ही अपनी जान दांव पे लगा दी? वेल, लेट्स फाइंड दिस आउट। व्लादिमीर मिखाइलोविच कॉस्मरोव, एक सोवियत टेस्ट पायलट, एरोस्पेस इंजीनियर, कॉस्मोनॉट और द मैन हु फेल फ्रॉम द स्पेस, बचपन से ही स्पेस और एरोस्पेस इंजीनियरिंग को लेके काफी फैसिनेटेड रहते थे। उनका ड्रीम था एक एरोस्पेस इंजीनियर बनना, पर शायद किस्मत को उनका सपना इतना जल्दी साकार होना मंजूर नहीं था, बिकॉज ही स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम अ वेरी हम्बल बिगिनिंग। क्योंकि इनके चाइल्डहुड डेज में वर्ल्ड वॉर टू के दौरान इन्हें अपना पेट पालने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए पढ़ाई के जगह पर मजदूरी करनी पड़ती थी। लेकिन वो कहते हैं ना, द फ्यूचर बिलोंग टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। बस ऐसा ही कुछ हाल व्लादिमीर का भी था। उन्होंने अपने सपनों पर बिलीव करना कभी नहीं छोड़ा था। उन्हें किसी चीज की जरूरत थी तो वो थी बस एक मौके की, जो मौका उन्हें मिला जब सोवियत एयरफोर्स की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी उनके दरवाजे पर दस्तक की। व्लादिमीर ने बड़ी खुशी से वो मौके को अपनाया और पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। और फाइनली मेहनत करते करते 1959 में सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते वो रशियन स्पेस एजेंसी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्मोनॉट बन गए। बट देयर इज अ लिटिल कैच ओवर हियर। वो एक ऐसे कॉस्मोनॉट बन गए जो कभी कॉस्मोस में ट्रैवल नहीं कर सकता था। यस, उन्हें उनके न्यू फाउंड स्टेटस, ग्रेट स्किल एंड एक्सपीरियंस इन मैथमेटिक्स की वजह से स्पेस एजेंसी में एंट्री तो मिल गई थी, और जो कि उनकी उम्र उस वक्त 27 से ज्यादा थी, इसीलिए उनका स्पेस में जाना नहीं बनता था। पर इस रूल से पर्सनली उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उन्हें पता था कि स्पेस के हर एक में तो इन्वॉल्व रहते ही थे, और इसीलिए जस्ट एक्सपीरियंस के बल पर आज नहीं तो कल उन्हें स्पेस में जाने का मौका जरूर मिलेगा। और इसीलिए वो फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए कंटिन्यूअसली अप्लाई करते रहे, और फाइनली अक्टूबर 4, 1964 में उनके एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लिया गया एक स्पेस मिशन के लिए। उन्हें और उनके सबसे चहेते दोस्त यूरी गैगरिन को एक न्यू स्पेस मिशन के लिए चुना गया, जिसका नाम था सोयूज। सोयूज प्रोग्राम एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम था, जिसमें पहली बार पृथ्वी से स्पेस पर तीन एस्ट्रोनॉट्स जाने वाले थे। इस मिशन की शुरुआत हुई थी 1967 में, एक ऐसा साल जब सोवियत यूनियन को एस्टैब्लिश होके पूरे 50 साल हो गए थे। अब क्योंकि सोवियत यूनियन एक सुपर पावर कंट्री था, और इसीलिए 50 साल के जश्न को मनाने के लिए कुछ स्पेशली करेगा, और इसीलिए सोवियत लीडर लियोनिड ब्रेजनेव ने उस साल दो फ्रेशली मेड स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में लॉन्च करने की ठानी, यू नो, जश्न मनाने के लिए और सारी दुनिया को जलाने के लिए। सो मिशन काफी सिंपल था। दो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होने वाले थे, सोयूज 1 और सोयूज 2। सोयूज 1 में एक एस्ट्रोनॉट पहले जाने वाला था, और फिर बाद में नेक्स्ट डे सोयूज 2 में दो एस्ट्रोनॉट्स। ऊपर स्पेस में ये दोनों स्पेसक्राफ्ट मिलने वाले थे, जिसमें से सोयूज 1 का पहला एस्ट्रोनॉट सोयूज 2 में क्रॉल करके जाएगा, और वंस ही एंटर्स दैट सोयूज 2 स्पेसक्राफ्ट, मिशन सक्सेसफुल होने वाला था। सो द मिशन वॉज काफी सिंपल एंड स्वीट। लेकिन बॉस, बात तो यहां पर ये थी ना कि एक मेजर यहां पर प्रॉब्लम थी। इस मिशन के लॉन्च डेट को ब्रेजनेव एग्जैक्टली 50th एनिवर्सरी वाले डे पर ही रखना चाहते थे, और ना उससे एक दिन पहले या एक दिन बाद। और यह बात सुनते ही मानो सारे साइंटिस्ट और सारे एस्ट्रोनॉटों के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई, क्योंकि बात तो यह थी ना, उस वक्त सोयूज एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन लॉन्चेस फेल हो चुके थे। सोयूज स्पेसक्राफ्ट उस वक्त ना तो खुद और ना ही किसी इंसान को स्पेस में कैरी करने के काबिल था, और कई इंजीनियरों को तो यह तक लगता था कि सोयूज के डिजाइन में ही कोई मेजर फॉल्ट है। इसका मतलब क्लियर था, मिशन डिक्लेरेशन के वक्त ही ये कहीं ना कहीं साइंटिस्टों को पता चल चुका था कि ये मिशन बुरी तरीके से फेल होने वाला है। और जो बात इंजीनियर्स, डिजाइनर्स और कॉस्मोनॉट्स को क्लियरली दिखाई दे रही थी, इवन कॉमन पीपल को, वो बात दुर्भाग्यवश ब्रेजनेव के दिमाग में फिट नहीं हो रही थी। उसे बस एक ही चीज दिखाई दे रही थी कि 50th एनिवर्सरी को ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किसी भी हालत में होना चाहिए, और फिर चाहे मुझे उसके लिए मेरे अपने एस्ट्रोनॉट्स की बलि भी क्यों नहीं चढ़ानी पड़े। He just wanted to prove anyhow कि रशिया एक सुपर पावर कंट्री है, और इस डिसीजन को सभी, हर एक रशियन ने कंडेम किया, और कहा गया अ रिप्रीहेंसिबल डिसीजन, यानी कि अ बैड डिसीजन। और उस वक्त के पॉलिटिक्स भी कुछ उस तरीके से थे। रशिया को कोल्ड वॉर में किसी भी तरीके से यूएस को कंटेन करना था, और इसीलिए ब्रेजनेव ये टेम्पटेशन को रोक नहीं पा रहा था, और उस वक्त के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री का लीडर था ब्रेजनेव। सो ऑब्वियसली किसी के भी उसके अगेंस्ट जाने की हिम्मत नहीं थी, और सभी लोग इस डिसीजन से डिससैटिस्फाइड तो थे, बट कोई भी उसके इस कमांड
कमांड को कंटेन नहीं कर पाया एंड ही एग्जीक्यूटेड इट एनीवे। हालांकि हां, यूरी गैगरिन ने बड़ी हिम्मत जताकर उनके सामने इस मिशन को पोस्टपोन करने की बात रखी, लेकिन ब्रेजनेव ने उनकी बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया और इसीलिए गुस्से में आग बबूला होकर यूरी गैगरिन ने 10 पेज का मेमो बनाकर केजीबी को दे दिया। केजीबी एक सिक्योरिटी एजेंसी थी जो उस वक्त मिशन में होने वाले कोई भी थ्रेट्स को पहले से ही परसीव करके मिशन को रोक सकती थी। बट ऑब्वियसली मोस्ट पावरफुल पर्सन होने की वजह से ब्रेजनेव ने उनके ऑफिसर्स को भी अपने पावर के नीचे दबा डाला और वो बात कभी भी लोगों की आंखों के सामने नहीं आई। और जो भी उस रिपोर्ट को लोगों के सामने लाने की बात कर रहे थे उन्हें या तो डिमोट किया जा रहा था, फायर किया जा रहा था और इवन लाइफ थ्रेट्स दिए जा रहे थे। और इसीलिए फाइनली यूरी और कोमारोव के पास बस एक ही रास्ता बचा था, अपने ही मौत का कफन अपने सर पर बांधकर लॉन्च हो जाने का। In fact, can you believe it? Vladimir Komarov ने फ्लाइट चढ़ने से पहले अपने दोस्त यूरी से ये कहा भी कि I'm not going to make it back from this flight. He was so sure कि उनकी जान इस मिशन में जाने वाली है. Still he boarded. अब I know आपके दिमाग में ये बात जरूर आ रही होगी कि अगर कॉस्मोनॉट व्लादिमीर कोमारोव को ये पहले से ही पता था कि उनकी जान जाने वाली है, Still why did he board that spacecraft? Well, इसके पीछे का एक बड़ा रीजन है दोस्ती। अगर व्लादिमीर उस मिशन से बैक ऑफ कर लेता था तो उसके बदले में नेक्स्ट यूरी गैगरिन को जाना पड़ता था और इस वजह से उन्होंने ये सोचा कि मैं किसी को मौत के मुंह में क्यों धकेलूं और एक लूजर का टैग लेके क्यों घूमूं, और इसीलिए उन्होंने ही वो स्पेसक्राफ्ट को बोर्ड किया। पर ये दोस्ती सिर्फ एक ही तरफ से निभाई नहीं गई। जर्नलिस्ट यारोस्लाव गोल्वनोव के अनुसार यूरी गैगरिन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च के दिन पर लॉन्च साइट पर पधारे और वो उन्हें भी स्पेस सूट देने की डिमांड करने लगे, पर उनके लाख कोशिशों के बाद भी अथॉरिटीज ने उन्हें इग्नोर किया और उन्हें उस फ्लाइट का हिस्सा होने नहीं दिया। ही वाज लिटरली बेगिंग कि उन्हें भी इस मिशन में साथ में जाने दो, बट उन्हें वो मौका नहीं दिया गया। एंड फाइनली द सोयूज लेफ्ट अर्थ ऑन April 23rd, 1967 12:32 AM। अब लॉन्च के 8 मिनट बाद तक मानो सब कुछ सही चल रहा था, पर उसके बाद स्पेसक्राफ्ट जैसे ही ऑर्बिट में रोटेट कर रहा था कुछ अजीबोगरीब डिस्फंक्शंस होने लग गए और उस वक्त से शुरू हो गया उनके मौत का तांडव। पहला ऑर्बिट कंप्लीट करते ही सोलर पैनल्स फेल हो गए और उसी के साथ सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम भी बंद हो चुका था और वक्त के साथ साथ टेम्परेचर गिरते ही जा रहा था। नेविगेशन सिस्टम भी बंद हो चुका था, स्पेसक्राफ्ट स्पेस के अंधेरे में कहीं पर भी खो सकता था, सब कुछ बद से बदतर होते जा रहा था। लेकिन ऐसे मौके पर भी एक आशा बची थी, रशियन स्पेस एजेंसी सोयूज 2 को लॉन्च करके उनकी जान बचा सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ऐसा नहीं किया। इनफैक्ट रशियन स्पेस एजेंसी ने तो इस मिशन को ही कैंसिल कर दिया और इसी के साथ कोमारोव के बचने की जो भी आशा थी वो तुरंत 0% हो गई। हालांकि कुछ वक्त बाद व्लादिमीर अपने स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर एक कैप्सूल में अर्थ के एटमॉस्फेयर की ओर बढ़ने लगे, लेकिन उनके इस भी हेरोइक मूव ने उनकी मौत को जस्ट स्पीड अप ही किया। एंड मोमेंट में उनका पैराशूट ओपन ही नहीं हुआ और जो फाइनल शब्द उनके मुंह से निकला वो था किल्ड। और फिर उसके बाद उनका स्पेसक्राफ्ट एक मीटियोर की तरह पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से टकराया एंड बूम, रेस्ट इज हिस्ट्री। क्रैश साइट पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो रेमनेंट ऑफिशियल्स के हाथ लगा वो था ये, एक 80 सेंटीमीटर की उनकी जली हुई गली हुई बॉडी। अब फ्रेंड्स, इस वीडियो में हुई सच्ची घटना से हमें सिर्फ एक ही सीख मिलती है, वो ये है कि कभी भी अपने ईगो में आकर या अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के चक्कर में इमोशनल decisions नहीं लेना चाहिए और बहुत ही ठंडे दिमाग से प्रैक्टिकली सोचकर ही देखना चाहिए। Because after all, हुआ क्या? लियोनिड का नाम खराब हो गया और पूरी दुनिया में वो इस वाहियात इंसिडेंट के लिए जाने जाने लगा। And on the other hand, a noble person who wanted to do something for his country, he just lost his life for nothing. Even हमारे हिंदी संस्कृति में वो कहावत है कि अहंकार हमेशा उसे रखने वाले इंसान को लेकर डूबता है। It's so true over here. What do you guys think? On our friends, इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। Get Set Fly Science चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आप कभी भी मिस ना कर सको। See you in next one. As always, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind.